हाय फ्रेंड्स, आज हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ये सारी वेस्टेड हैं और ये फॉइल है जो कि वेस्ट था और यूज भी है, और ये इस तरह की एक लकड़ी, कोई भी शेप जो आपको पसंद हो आप वो ले सकते हैं। मैंने ये लिए और ये मैंने हाथों में दस्ताने पहन लिए जिससे कि हाथ खराब नहीं होंगे। आपके पास दस्ताने हो तो ठीक है, नहीं तो आप पॉलिथीन हाथ में लगा सकते हैं। और सबसे पहले हम इसके स्ट्रिप्स काट रहे हैं। और ये हमने सारे स्ट्रिप्स काट लिए हैं। और जो अब ये लकड़ी है हमारे पास, इस पर हम ग्लू लगा के और फिर इसको ही इस पे लगाएंगे। और ये ग्लू लगाने के बाद ये जो हमने स्ट्रिप्स काटे हैं इसको हम इस पे लपेटते चले जाएंगे, क्योंकि मुझे सिल्वर कलर का चाहिए इसलिए मैं फॉइल ही लगा रही हूँ। आप लोग चाहें तो इसमें कलर भी यूज़ कर सकते हैं, पेंट यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह का भी आपके पास कलर हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ से जहाँ से इस तरह के वो आएंगे वो हम कैंची से ऐसे कट लगा देंगे फॉइल, जिससे कि हम इसे अच्छी तरह से इसको फोल्ड कर पाए, इसके कॉर्नर्स जो हैं वो हम भर पाएंगे फॉइल से ही। ये देखिए, ऐसे और फिर यहाँ से यहाँ तक हम इसको दोबारा से वैसे ही फॉइल को लगा देते हैं दोबारा। और मैं एक बार और दिखा रही हूँ, ये देखिए इस तरह से जो ये इस तरह के पॉइंट होंगे उसको हमने ऐसे कट लगा लिया है फॉइल में बीच में से, और इसको हम इस तरह से फोल्ड कर रहे हैं। प्रेस कर दिया जिससे कि लकड़ी का जो भी नेचुरल है वो सब आ गया इसमें। अब इस फॉइल को हम दोबारा से फोल्ड कर रहे हैं इस तरह से काट के। और इसको मैंने ऐसे फोल्ड कर लिया है, और एक फोल्ड मैंने ऐसे भी दिया है। अब मुझे जितनी भी बड़ी पत्तियां काटनी हो मैं उतनी बड़ी पत्तियां काट लूंगी इसमें से। और इसको खोल देंगे। ये हमारे पास पत्तियां तैयार हो गई हैं। अब हम आगे का प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। कटिंग्स, बेकार की कटिंग्स निकली हैं, इनको मैंने फोल्ड कर लिया है ऐसे। और फोल्ड करने के बाद इस तरह से एक बॉल तैयार कर लिया है, ये देखिए। और इस पर मैंने ऐसे गोंद लगा दिया।
और ऐसे ही मैं इसके ऊपर एक के ऊपर एक लगाती जाऊंगी। ये देखिए, ये मैंने तैयार कर लिया है और ऐसे ही मैंने एक और भी तैयार करके रखा है। अब हम इन सबको सूखने के लिए रख देंगे और अब हम इसको डेकोरेट करेंगे। अब ये मेरा एक पुराना टूटा हुआ गुल्लक था तो मैंने इसको फेंका नहीं है। अब मैं इसके लिए पॉट इसी से ही बनाने वाली हूँ। और ये मैंने सफ़ेदी कराई थी घर में तो थोड़ा सा कलर बच गया था तो मैंने सोचा इसे ही इसमें यूज़ कर लेते हैं डेकोरेशन के लिए। ये भी पेंट हो गया है। इसे अगर आपके पास गेरू हो तो गेरू से भी कर सकते हैं, नहीं तो चाहे तो ये होम फॉइल अगर आपके पास हो ज़्यादा तो होम फॉइल से भी आप इसको कवर करके और भी ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। और जो भी कुछ आपके पास सजाने की चीज़ें हों उनसे आप इसको डेकोरेट भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और जो मेरे नए फ्रेंड्स आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को बटन को प्रेस करें और उसके बाद ऑल को प्रेस करें जिससे कि मेरे जो भी नए अपलोड्स हैं उसके नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगे। अब ये रेडी हो गया है और इसको अब हम सूखने के लिए रखेंगे, फिर उसके बाद हम इसको डेकोरेट करेंगे। फ्रेंड्स, ये हमारा फ्लावर पॉट बिल्कुल तैयार हो गया है और अब हम इसको फाइनल फिनिशिंग देने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इस पे ग्लू लगा लेंगे, ये जो हमने फूल बना के रखे थे। अच्छी तरह से ग्लू लगाने के बाद फिर हम इसको इसके साथ जॉइन करेंगे। ये आपकी अपनी पसंद है, आप कहाँ लगाना चाह रहे हैं। मैं इसको यहाँ पर फिट करूँगी। ये इस तरह से मैंने इसको लगा दिया है और अब हम दूसरा फूल भी इसको लगा देते हैं। दूसरा फूल मैं यहाँ पर लगाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, या तो मैं इसकी चोंच है, ये इसकी चोंच है, या तो मैं इस पे ग्लू लगा के गम लगाने के बाद इसको इसके साथ फिट कर दूंगी या फिर मैं इसको कट करके और इसके अंदर एक छोटा सा होल बना देती हूँ। मैं इसको वैसे भी फिट कर
कर सकती हूँ। एक मैंने आपको वैसे दिखाया है और एक ये देखिए, ये मैंने इस तरह से कट कर दिया और अब इसके अंदर एक ये होल तैयार हो गया। अब इसमें मैं गोंद भर के और इसमें लगाती हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पर गोंद लगा दिया था इसके अंदर, होल के अंदर, और इस होल को मैं इसमें फिट कर लूँ ऐसे। बस इसी हिसाब से आपको जितने भी फूल लगाने हो वो आप लगा सकते हैं, अपने हिसाब से जहाँ भी आपको अच्छा लगता हो वैसे फूल लगाएंगे आप। और मैं बस अब इसके बाद पत्तियाँ लगाऊंगी। पत्तियाँ भी मैंने ऐसे ही काटी हैं जैसे फूलों की पत्तियाँ काट के मैंने फूल बनाया था। ये देखिए काटी, आइए इन्हें भी लगा देते हैं। बस इनको तो बहुत इजी है, बस ऐसे ही लगाते जाना है और हम बाकी की पत्तियां भी लगा लेते हैं। और ये सारे पत्ते भी हमने लगा लिए हैं, अब हम इसको सूखने के लिए रखते हैं। फ्रेंड्स अब ये रेडी है। आपको इस वीडियो में कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा और कौन सा पार्ट अच्छा नहीं लगा, फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। जब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।